जी, भाजपा के प्रवक्ता विपक्षी की एकता और बैठकों से इतने बौखला गए हैं कि देश के मुद्दों को छोड़कर उस राहुल गांधी जो आज किसी संवैधानिक पद पर नहीं है लेकिन इन भाजपाइयों की रात की नींद उड़ाई हुई है और उस विपक्षी एकता से इतने बौखला गए हैं। 22-23 तारीख को पटना में मीटिंग होती है, महीने भर में 17-18 जुलाई को बेंगलोर में मीटिंग होगी और उसके तुरंत बाद 20 को संसद का सत्र है। इन्हें मालूम है विपक्ष एकजुट होकर जनता के मुद्दों पर इन्हें घेरने वाला है, इनके पास कोई जवाब नहीं। जहां तक बंगाल की बात है, हम हिंसा का कड़ा विरोध करते हैं और ये गलत है, ये रुकना चाहिए। उसमें कोई भी राजनीतिक दल हो, हर एक का कार्यकर्ता मारा जा रहा है, हमारे कार्यकर्ता भी मारा गया है, उसके न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे लेकिन आपको मुद्दों से भटकने नहीं देंगे। देश को कहना चाहती हूँ, आज भाजपा का प्रवक्ता जो है टमाटर को लेकर मजाक उड़ा रहा है, अरे आटा देखिए, जीएसटी देखिए, हर चीज पर आपने लेकिन एक वैलिड बात बोली, राहुल गांधी तो अभी किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, अब तो गौरव भाटिया जी, अलका जी मेरी पड़ी कि कृषि कानून ओके, अलका लामा यू मेड योर पॉइंट, लेकिन निश्चित तौर पर टमाटर 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 महंगा है, विषय है वो, लेकिन एक एक सेकंड एक सेकंड एक एक करके रीना गुप्ता भी इंतजार कर रही है, अनुराग भदौरिया भी इंतजार कर रहे हैं, एक सेकंड पनौती किसके लिए का जी जी जी, मैं आऊंगा मैडम, मैं अलका जी वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन गौरव भाटिया राहुल गांधी तो अब किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, अलका लांबा राइटली सेट किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, अब तो वो दूसरे मकान में भी शिफ्ट होने वाले हैं जो खबर आ रही है, एक और दूसरे घर में जाने वाले हैं जिस तरह की न्यूज आ रही है। तो आपका टारगेट राहुल गांधी है या आपका टारगेट विपक्षी एकता है, दैट्स द क्वेश्चन। देखिए मैं बिंदुवार तरीके से उत्तर देता हूं, इन्होंने कहा कि इनकी एकता देख के भाजपा और एनडीए बौखला गए हैं। बिहार की बैठक के बाद अमित जी तथ्यात्मक तौर पे आप पुष्टि कर दीजिएगा, क्या यह सही नहीं है कि एनसीपी जो है वो महायुति का हिस्सा बन गई, ये बिहार बैठक के बाद हुआ है, मतलब एक घटक दल हट गया इनके गठबंधन से तो ये मजबूत हो गए। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ने उस बैठक के बाद कहा कि अगर कांग्रेस हमें समर्थन नहीं देगी अध्यादेश के मुद्दे पे तो हम भी समर्थन नहीं करेंगे। तीसरा, स्टालिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे नहीं, तो पता नहीं कैसे मजबूत हो रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी देख पाता है उससे ज्यादा कांग्रेस के नेता देख पाते हैं, तभी इनका सुपड़ा साफ होता है। अब आपने घर की बात करी अमीर जी, यहां भी वंशवाद, मतलब राहुल गांधी हजारों करोड़ का घोटाला करके किराए का मकान ले रहे हैं और वो भी एक वंशवादी से, अरे आम आदमी का घर ले लेते किसी का भला हो जाता, ओके अलका लांबा किराया और एक बात और कहूंगा, अमीर जी आपका एक बार फिर धन्यवाद करती हूँ, आप मुझे बार बार बोलने का मौका दे रहे हैं, मालूम है सत्ता है उनकी लेकिन विपक्ष को कम से कम यहाँ मैं न्याय होते हुए देख रही हूँ, धन्यवाद करती हूँ। राहुल गांधी जी का आपने एसपीजी सुरक्षा छीनी, आपने घर छीना, आपने संसद सदस्यता छीनी, आप 2 साल जेल भेजने के लिए तैयार है, अब राहुल गांधी कहाँ रह रहे हैं? भाजपा की पैनी नजर है कि राहुल गांधी यहाँ क्यों रह रहे हैं, राहुल गांधी वहां क्यों नहीं रह रहे, क्या देश के लिए ये मुद्दा है, राहुल गांधी खुद के लिए ये मुद्दा नहीं है कि राहुल गांधी कहाँ रहे हैं? राहुल गांधी लोकतंत्र की आवाज उठा रहे हैं, हाँ वो उठा रहे हैं, राहुल गांधी डर नहीं रहे हैं इन भाजपाइयों की ईडी सीबीआई से, राहुल गांधी इनकी आंख में आंख डालकर, जो ये आंख चीन के आंख में डालकर इन्हें बात करनी चाहिए थी, राहुल गांधी वही आंख में आंख डालकर इनसे बात करते हैं, इनके इनके तो बिल्कुल मैं कहती हूँ बौखला बाजी में, जब प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाते और राहुल गांधी जी बिना सांसद हुए मणिपुर में जाते, ओके 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 गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं, गौरव भाटिया कुछ बोल रहे हैं, गौरव भाटिया 10 सेकंड, गौरव भाटिया ओके ओके, अलका जी निवेदन स्वीकार है, ओके गौरव जी 10 सेकंड क्या कह रहे थे आप बताइए। मैं केवल इतना कह रहा था, इतना बड़ा घर उनकी माता जी आदरणीय सोनिया गांधी जी को मिला हुआ है, अरे इतना तो कर सकते हैं राहुल गांधी कि अपनी माता जी के साथ ही रह लेते, या हो सकता है कुछ ठीक ना हो, माता जी को लगता है कि प्रियंका वाड्रा गांधी बेहतर नेत्री हैं, जैसा आचार्य प्रमोद कृष्णम बता रहे थे कि राहुल गांधी बुझा हुआ चिराग है, जी और बुझा हुआ चिराग ठीक है, अलका कुछ रिप्लाई करना चाह रही है, वो लगातार कोई मतभेद हो, अलका लांबा अमीर जी
मैं ये पूछना चाहती हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी इतने बड़े प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं, मोदी महल रेनोवेशन में करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी उनके साथ रहती थी, रह सकती थी, क्यों छोटे मकान में रखा? तो ये क्या मुद्दा बनता है? देश से पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी अपनी माता जी के साथ रहेंगे, उस बड़े घर में रहेंगे, या अपने निजी कहीं लेकर रहेंगे? ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है तो देश पूछना चाहता है, प्रधानमंत्री जी आपने अपनी माँ को गुजरात के छोटे से घर में क्यों रखा? क्यों अपने प्रधानमंत्री आवास में उस माँ को जगह नहीं मिली, जिस माँ का सम्मान और जगह वहां पर? एक और महिला है, नाम लूंगी, उनकी धर्म पत्नी आज भी धर्म पत्नी है, तलाक नहीं हुआ है, उस पत्नी का भी हक उसी से मुझे लगता है, मुझे लगता है टू पर्सनल। ओके ओके ओके, मैं एक सेकंड, एक सेकंड, अपनी माता जी को मकान में रखा। ओके ओके, रीना गुप्ता, रीना गुप्ता, रीना गुप्ता, आम आदमी पार्टी एंड देन अनुराग भदौरिया। ओके रीना, रीना, एक सेकंड, गौरव, गौरव, गौरव भाटिया कुछ कह रहा था। रीना, रीना, मेरे को 10 सेकंड दीजिए। गौरव भाटिया 15 सेकंड। देखिए, पहली बात तो ये व्यक्तिगत हो गई, उनकी बीवी के साथ तलाक नहीं हुआ है। मैं केवल इतना कहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी हूँ, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे कोई परिवार का सदस्य हो, कोई सरकारी बंगले में नहीं रह रहा। ये बात मैंने इसलिए उठाई कि सोनिया गांधी के पास सरकारी बंगला है, और अभी कुछ माह पहले तक सांसद थे राहुल गांधी, तो दो दो सरकारी बंगले का दुरुपयोग होता था, तो वहां क्यों नहीं जाके रहते, ये मेरा जो है तथ्य था। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि देखिए, आज ये बौखलाया कौन है, ये सबने देखा। जी, जी, जी। आज ये उस टीएमसी के साथ बैठेंगे जिसने नरसंहार कराया है बंगाल में, और ये जी, उस आपके साथ बैठेंगे जिस आपने इन पे आरोप लगाए और कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ईडी की पूछताछ की है। मंत्री थी ममता बनर्जी, रीना गुप्ता को स्क्रीन पे लेके आइए, मेरा निवेदन है अलका जी, मेरा निवेदन है, मानिए गौरव भाटिया, मेरा निवेदन है, मानिए। ओके रीना गुप्ता ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। ओके रीना गुप्ता, मेरा बड़ा पॉइंटेड सवाल है, कांग्रेस कह रही है कि विपक्षी एकता तो है और राहुल गांधी पर उनका कैटेगोरिकली एक बड़ा फोकस है, क्या आपको लगता है कि ये जो विपक्षी एकता का पूरा मामला है, इसमें हमने पहले देखा प्रफुल्ल पटेल वहां पहुंचे, वो अब बीजेपी के साथ चले गए हैं, आम आदमी पार्टी का स्पष्ट कहना है कि ऑर्डिनेंस अगर गिरेगा, ऑर्डिनेंस पे जो साथ आएगा, विपक्षी एकता तभी गिनी जाएगी, लेकिन कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि ऐसा नहीं होने वाला है। जवाब देखिए अमीश जी, तीन चार बातें हुई हैं, मुझे प्लीज मौका दीजिएगा सबका सिलसिलेवार जवाब देने का। जी। पहली बात तो इस समय कोई बौखलाया हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी 48 घंटे पहले कह रहे थे एनसीपी को नेशनल करप्ट पार्टी, 70,000 करोड़ का घोटाला बता रहे थे, फिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आपने उन लोगों को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया और उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया।